इस मार साहब साडे च मौजूद नहीं है। मार साहब नू इन्नी तड़प सी इस पिंड और यूनियन कौंसल ना जिन्नी तड़प मियां अब्दुल रहमान और अली बाबा नू अपने हलके ना सी। असेंबली च लड़ते सन कि मेरे हलके वास्ते कुछ ना कुछ मैनू दियो। इन्नी ही तड़प मां रमानुल्ला नू अपने पिंड और दाएं बाएं नाल सी। मार साहब इस वास्ते हतल अजीज सन और अपने यूनियन कौंसल दे विचों हर साल नाजम भी बनते सन और चेयरमैन और जिला कौंसल के मैंबर भी बनते सन। मां साहब ये गल मैं बड़ी अच्छी तरह याद है। मियां साहब 2013 जिस वेले एम एल ए बने बहुत सारी ग्रांट आई और यह जेडे नाल नाल भैणियां ने इन्हों बिजली मियाँ साहब ने उन्होंने दी। कुछ भैणियां फिजिबल नहीं सी होंदियां। मार साहब के एक लफज याद ने उस आख्या जे अज ये बंदे इस बिजली तो रह गए तो मुड़ बिजली नहीं मिलनी। और मर साहब ने मियां साहब ने लड़के भी इस हलके वास्ते सब कुछ किया। उसके बेटे मार आमिर हराज भी उसी डगर पे चलते हुए मियां साहब के नाल शाना बशाना चलते हुए ने। मार आमिर हराज नु कहा गया सामने जनाब ते वाटर सप्लाई जड़ी है मियां साहब का मंसूबे का मुंह बोलता सबूत है। मियां साहब के मंसूबे का मुंह बोलता सबूत है। आमिर नु कहा गया कि इफ्तिताह करवा दे जेने इत्थे साबका एमपीए सन जिन्होंने चार साल साडे खराब किए। लेकिन मार आमिर हराज ने इनकार किया और पुरजोर इनकार किया और उस तो बाद एक स्या रात तो बाद एक खूबसूरत सुबह हुई और सुई गैस से पैर भी आए। आज तुसी वाटर सप्लाई का पानी भी पी रहे हो जी सब तो बड़ी नेमत। मैं ज्यादा हाल नहीं लेना चाहता तुहाडे और मियां साहब के दरमियान दे विच पीर अली बाबा साहब और तुहाडे दरमियान दे विच क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गर्मी भी काफ़ी आ। लेकिन एको चीज़ का मसम्मम इरादा कर लो कि केड़े तुहानू अपनी जान नालों ज्यादा लीडर चाहते ने और केड़े तुहानू पिछे रखते हैं। बस दो गलों के चीज़ों कंपेयर करो और मियाँ साहब और अली बाबा साहब का भरपूर साथ दियो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कहना कि आज इलेक्शन की शुरुआत हो गई है और इलेक्शन का असी जलसा पहला कर दिता है। इस तो अगे इन मजीद बढ़ाओ। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। एसएम राणा गुलाम मुर्तजा सर इन्हें तो बाद मैं इल्तमाश कर सा चौधरी खालिद सरदार साहब मुस्लिम लीग नून देने जिन्हों के बारे गल मशहूर है कि सदा बहार ही चेयरमैन है। भरपूर तालियों नाल इस्तकबाल करो जनाब चौधरी खालिद सरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमाना ने ग्रामी और अहलिया ने मेरे दोस्तों भाइयो बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों जिस तरह आज पिंड वाले ने इस्तकबाल किया लगता तो यह कि सवेरे इलेक्शन आ दोस्तों तुसी देखिया होना कि पीटीआई की हुकूमत तीन साल साढ़े तीन साल रही है मुल्क का बेड़ा गर्क करता इतने तक ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 40-45 ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 40-45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਪ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सारे हुण मनसूबे जिहड़े उन्हां ते काम हो रहा इंशाल्लाह बहुत जल्द तुहानू गैस मिल जाणी आ। इह मैं पेशगी तुहानू मुबारकबाद दिंदा। दोस्तों मुस्लिम लीग जदों
अपनी आवाम का भला किया, जिमीदार का भला किया। इंशाला भरपूर तरीके हुण मुस्लिम लीग नून का उन्होंने जेड़े भी कैंडीडेट खड़ते हैं जिन्होंने टिकट मिलती है उन्होंने साथ दो। इंशाला तला मुल्क हरियाली भी होएगी, मुल्क खुशहाल भी होएगा। इंशाला थोड़े जेड़े मनसूबे रहेंगे उन्होंने भी काम होएगा। मैं एक दफा फिर इन्होंने भरावान का शुक्रिया अदा करता जिन्होंने ये महफिल सजाई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब चौधरी खालिद सरदार साहब, कुछ नहीं दिखाया यार, जोश है तो फिर जोश तो दिखाना ठीक है। इस तो बाद क्योंकि मैं उस हस्ती दावत दे रहा इजारे ख्याल वास्ते, उन्होंने थोड़ा जहा टाइम का मसला है और सिर्फ एक शेर आते तो मैं उन्होंने जहमत दे सकता कि जो किस्मत निमाणी दे सितारे ठीक नहीं आते, तदा औखी गुजरती ये गुजारे ठीक नहीं आते। छुड़ा के उंगली बचपन विच ए मां मेरी ने दसिया सी तू खुद पैरां ते चुरिया कर सहारे ठीक दे। जनाब पीर सैयद कुतुब अली शाह आल मरहूम साईं अली बाबा मुबारकबाद पेश करना कि अज तुहाडे इस पिंड दे विच सुई गैस का इफ्तिताह होया, वाटर सप्लाई भी चल गई है। मां रमानुल्ला हराज साहब उन्हां दा मैं बड़ा एहतराम करना, साडे बड़े अच्छे मियां असदुर रहमान साहब के मेरे साथी आ, मां आमिर हराज साहब वह भी उन्हां दे नक्शे कदम से चलते उवें ही साडे नाल प्यार और मुहब्बत। जिस तरह अज तुसी इस पिंड आलियां इस्तकबाल कीता है मियां असदुर रहमान साहब का, मेरा इंशाल्लाह अल्लाह मौका देसी चुप है और असी इस चीज का हक अदा कर सकते। इस चीज नू मां आमिर हराज साहब नू भी मैं आखसा, तुहानू सारे दोस्तों नू भी आखसा कि तुहानू इस चीज का जेने च होमना ही नहीं चाहिए कि मियां असदुर रहमान साहब या मैं त्रै चार कालिया नू कदी भूल जा मौका दिता। इंशाल्लाह जो साडे कोल बन पिया असी इस पिंड वास्ते कर सकां। बाकी जो हालात पिछली हुकूमत की वजह तो पीटीआई की हुकूमत की वजह तो मुल्क दे विच पैदा किए गए पैदा होए उस तू कोई भी नावाकिफ नहीं। हर बच्चा हर बुजुर्ग इस चीज़ तो वाकिफ है कि पिछले दौर की हुकूमत पीटीआई की जी रही है इस विच की होया और की नहीं होया, मतलब कि इंतकामी कार्रवाइया तो उन्हें वैसे ही कीतियां पूरे हल्के दे विच पूरे इलाके दे विच, उस तो इलावा मुल्क नूं भी इंतकाम का ही निशाना बना। जिस नहज से अज मुल्क पहुंच गया है उसके जिम्मेवार सिर्फ वो लोग हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जदन भी आई है
उस मुल्क इना बहराना इतों इना अंधेरिया इतों हमेशा कटिया और इंशाल्लाह अगर भी कटती रहती सारे दोस्तों का साथियों का तुम्हें साथ रहा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और तुहाडे इत्थों जिहड़े असी नुमाइंदे आए असी कामयाब हो सके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो सी और इंशाल्लाह तुहानूं इहो जिहे कई मनसूबे सिर्फ इस चक वास्ते नहीं इस पूरे हल्के वास्ते इस पूरे जिले वास्ते पूरे सूबे वास्ते और पूरे मुल्क वास्ते मुस्लिम लीग लेके अमसी हमेशा लेके आंदी रही है और आइंदा भी लेके आंदी आखिर ते मैं एक बार दोबारा मैं लेतर ला लेना दोस्तों का इस चक्का लेने का शुक्रिया अदा करना कि तुसी इतने शानदार इस्तकबाल नाल सानू इत्थे सद्या आपने दरमियान ये चीज़ा हमेशा याद रही ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਕਰੋ ਜਨਾਬ गुजारिश कर चौधरी मोहम्मद शाह गुजर साहब ने सुबह असेंबली में एक माइक को बड़ी भरपूर तालियां